te manico, desde el lunes me sigue el esquí. Oh, oh, look at me, habibi. वाह यार, क्या ड्रेस है यार उर्फी दीदी, ये पूंछ भगवान ने दिया है कि खुद लोग आई हो? भगवान भी सोचता होगा कि मैंने भेजा था इंसान, और ये तो एकदम जानवर निकली। अगर किसी बैल की सींग टूट गई होगी ना, और वो देखेगा तो दौड़ा के मारेगा, वो सोचेगा कि मेरा ये सींग लगा के कहां फिर रही है। एक चीज दीदी में यूनिक है, दीदी कभी हनुमान तो कभी बाल वाली बन जाती हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा मैंने कुछ नहीं दिया इसे तो बाल ही दे दूं, क्योंकि कम से कम ये बाल ही यूज कर ले, क्योंकि ये कपड़े तो पहनती ना है। यार दीदी, खाना क्या चाहती हो, कि तुम जानवर हो? यार दीदी, तुम्हारी हरकत ना जानवर से भी बेकार है। Oh my God! Wow! क्या दिखाने गई हो, कि तुम बहुत संस्कारी हो? जहाँ कपड़े उतार के नहाए जाते हैं, वहाँ तुम कपड़े पहन के दूसरे के कपड़े को दिखा रही हो? यार कम से कम दूसरे की इज्जत सोच लो, और तुम तो खुद पहनती ना हो, हमेशा उल्टा चलती हो बैल की तरह। आज तो दीदी जानवर से इंसान बन गई। नहीं 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 दीदी, जानवर की जानवर ही रहेंगी। दीदी आगे से दिखा रही है कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, कपड़े पहन ली हूँ, लेकिन नहीं, पीछे से पूरा खुला दरवाजा दिखा रही है। तो रुको जरा, सबर करो। क्या बात है, चूहा भी सही से कुतर नहीं पाया कपड़े को। यार जहाँ कुतरना चाहिए वहाँ तो कुतरा ही नहीं। क्या है दीदी, अभी गिर जाएगा तो सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन दीदी को क्या फर्क पड़ता है? दीदी तो पहले से ही जानवर थी और जानवर हैं, फर्क तो इंसान को पड़ता है, जानवरों को नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। यार दीदी, वो पहनने वाली चीज नहीं है, उससे बात की जाती है। अगर वो कहीं गर्म हो गया गलती से ना, तो जला देगा दीदी, और बहुत दर्द करेगा, डॉक्टर को दिखा नहीं पाओगी। और दीदी को दिखाने की क्या बात, दीदी का तो सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। किन्ने हम पीछे लाए ते किन्ने चारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती जो टूट। एक बात है, टिप भी सोचता होगा कि मुझे बनाया गया था कुछ और चिपकाने के लिए, लेकिन नहीं, उर्फी जी ने उसे भी चिपका लिया और खुद को दीवार पे चिपका लिया। यार दीदी, चिपका तो बड़े सांसी ली हो, लेकिन जब टिप निकालोगी ना, अगर कुछ और उखड़ गया ना, तो बहुत दर्द करेगा, और डॉक्टर को तो कतई नहीं दिखा पाओगी। मैंने बताया था कि दीदी टेप ना लगाओ, लेकिन नहीं, दीदी को फैशन का भूत सवार है। लो अब पट्टी लगा के तुम घूमो हर जगह। मुझे प्यार है तुमसे, हाँ, तुझ में ही तो मेरा जहां। यार दीदी, इस घड़ी का प्रचार कर रही हो, कहीं से चोरी कर ली हो? कहीं एक घड़ी ऊपर से खिसकने पाया ना, तो सारी इज्जत खिसक जाएगी। इसलिए जाके कपड़े पहन लो, वरना जानवर देखेंगे ना तो दौड़ा के मारेंगे दीदी, क्योंकि तुम जानवर तो लगती ही हो। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, कि सूखती कटक देख होगी तना भड़क, मगा मान जाना ना से करो। यार दीदी, उसे पहना नहीं जाता, उसमें आलू प्याज रखी जाती है, कहीं बंदर उंदर आलू समझ के खींच लिए ना, तो उसके साथ साथ कुछ और भी खींच जाएगा। कुछ भी ड्रेस है बहुत कतई जहर, लेकिन दीदी अगर एक भी मोती खिसकने पाई ना, तो सारी इज्जत खिसक जाएगी। लेकिन दीदी को इज्जत की कहां पड़ी है, वरना दीदी ऐसे पहनती ही ना। तभी मैं सोचूं कि पुराने जमाने वाले बाजा गए कहां, अब पता चल रहा है बाजा और रेडियो को भी उर्फी दीदी ने पहन डाला। वो सोच रहे थे बंद करना ही सही पड़ेगा, वरना उनके ब्रांड का प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा, क्योंकि उर्फी दीदी सुधरेंगी नहीं। Ever since I left the city, you... रेडियो तो बंद ही करवा डाला, देख रहे हो, वायर को भी उर्फी दीदी बड़े अच्छे से पहन रही हैं। अगर कहीं तार में करंट आ गया ना उर्फी दीदी, और कहीं गलत जगह लग गया ना, तो डॉक्टर को दिखा भी नहीं पाओगी। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, और हाँ,
जाते जाते अपना बैगन फेंक के मारो, लाइक का बटन एंड सब्सक्राइब का बटन एंड बेल आइकन दब जाना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।